कैसे हैं आप लोग, फुटपंडा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी यात्रा की छोटी सी वीडियो शेयर करने वाली हूं। यह यात्रा भुवनेश्वर से पुरी तक की है, जो कि भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और जाने में लगभग 1.5 घंटे की समय लगता है। और यह यात्रा मेरे घर से पुरी तक की है, उसमें मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। यह रोड सीधे जाके हाईवे पर मिलती है और उसके बाद हाईवे से थोड़ा दूर जाने पर यह कटकपुरी रोड में चली जाती है, जो कि डायरेक्ट पुरी तक जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए दोस्तों, एक साइड में केनाल है और दूसरे तरफ केवल नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं। हम लोग हाईवे से होकर अब पुरी के रास्ते पर आ गए हैं। यह रोड डायरेक्ट पुरी के तक जाती है। पुरी से भुवनेश्वर से पुरी तक की यात्रा लगभग 90 मिनट की होती है। यह 4 लेन सड़क है। वेदर बहुत ही अच्छा था दोस्तों, बहुत ही न ठंडा है न गर्मी है। वैसे भी भुवनेश्वर और पुरी में न ठंड होती है न गर्मी रहती है इस वेदर में, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ बाहर से आते हैं, विदेशों से भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। उड़ीसा जो है सो इंडिया का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस है। और जगन्नाथ धाम की तो बात ही अलग है, यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, जो कृष्ण के ही रूप है। सड़क के दोनों तरफ आपको बहुत सारे नारियल वाले मिलेंगे, जो लगभग 15 से 20 रुपए में एक नारियल देते हैं, जो बहुत ही मीठी होती है और उसमें बहुत सारा पानी रहता है और मलाई भी वो आपको तुरंत ही निकाल के देंगे। उड़ीसा में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ नारियल बहुत होता है। देखिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने नारियल वाले से फिर दोबारा नारियल पानी पिया और उससे मलाई भी निकलवा के खाई। हमने एक नारियल के 15 रुपये दिए, बहुत ही मज़ेदार थे ये नारियल। उसके बाद फिर हम लोग अपने पुरी के रास्ते पर आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर दृश्य था दोनों तरफ और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, जबकि साइक्लोन आने से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए हैं। अभी मई में है, यहाँ फाइलिन साइक्लोन आया था, फिर भी यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है। देखिए, यहाँ पहले बहुत ही ज़्यादा नारियल के गाछ थे, अब उसमें तो बहुत सारे गिर गए हैं, फिर भी बहुत ही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
अब हम लोग पुरी शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यह जगन्नाथ जी का धाम है। यहाँ पहुँच कर अत्यंत शांति मिलती है। आपको लगेगा जैसे आपके सारे दैहिक दैविक और भौतिक जितने भी आपके दुख हैं सो सब खत्म हो गए हैं। चूँकि पुरी में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, इसलिए मंदिर से 2-3 किलोमीटर पहले ही हमारे कैमरा और जितने भी मोबाइल फोन्स थे सबों को सिक्योरिटी गार्ड्स रख लेते हैं, और उसके बाद ही दर्शन करने को जाने मिलता है। और कोई भी आदमी मंदिर या भगवान का फोटो नहीं ले सकता है, इसलिए हम लोग मंदिर या भगवान की तस्वीर नहीं ले पाए। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, उसके बाद हम लोग फिर सी बीच के वाले रास्ते पर चले आए। चूँकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और चूँकि हम लोगों ने मंदिर का ही बहुत ही टेस्टी प्रसाद खाया था, इसलिए हम लोग बाहर के खाने का भी हम लोग नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग। और उस दिन 1 जनवरी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। वैसे भी पुरी में 1 जनवरी और दिसंबर दो महीने बहुत ही टूरिस्ट बाहर से आते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही खुशनुमा होता है, ना ठंड रहती है ना गर्मी रहती है। और उस दिन तो 1 जनवरी के चलते बहुत ही भीड़ थी, सारे होटल्स बुक थे, कहीं भी आपको एक भी होटल खाली नहीं था ना लॉज खाली थे। और उस पर से जाम भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी हुई थी। फिर भी हम लोगों ने किसी तरह सी बीच के पास की तस्वीर ली है। देखिए इतनी लंबी जाम है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी जाम थी। हम लोगों को तो लगा कि हम लोग सी बीच तक भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह सी बीच पहुंच लिया। यह जो रास्ता है यह पुरी का बस स्टॉपेज है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आधुनिक बना हुआ है, और बाहर से देखने में पूरी तरह टेम्पल जैसा लगता है। बहुत ही मॉडर्न ये बस स्टैंड है। चलना है क्या सी बीच में? लंबी जाम को झेलने के बाद हम लोग बहुत ही मुश्किल से सी बीच तक पहुंचे। उस समय बिल्कुल ही शाम हो रही थी, लगभग 5:15 बज चुके थे, क्योंकि हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पूरी तरह जाम में फंसे रहे। इसलिए मैं सी बीच के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी जो यात्रा की का वृतांत था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि मेरा फूड चैनल है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आपको पूरी के खाने को दिखा पाऊँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी इसके चलते मैं नहीं दिखा पाई। और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि कहीं भी पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले गाड़ी को 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रहने दे रहे थे। देखिए सी बीच पर जगह जगह पर खाने के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, इंडियन से लेकर सारे खाने मिलते हैं वहाँ पर। एक तरफ साइड में सी बीच है और अनदर साइड में दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े होटल हैं, छोटे से लेके बड़े 5 स्टार तक होटल हैं। बहुत ही खूबसूरत देखिए यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही लोग थे और बहुत तरह के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे। सबसे ज़्यादा यहाँ सीप से बने हुए सामानों की बिक्री हो रही थी, तथा पिपली वर्क उड़ीसा का बहुत ही नामी हैंडवर्क है, उसके बने हुए सामान बहुत ही ज़्यादा यहाँ बिक्री हो रहे थे। और साथ ही दुकानों में संबलपुरी कपड़ों की भी बहुत बिक्री हो रही थी। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ रोज केक की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रोज केक को बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लगभग 200 ग्राम मैदा लिया था, उसमें मैंने 5 चम्मच चीनी और लगभग थोड़ा सा नमक डाला है। नमक मैंने 1/2 टीस्पून डाले हैं, और इन्हें खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं इसका मीडियम बैटर बना लूँगी, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। और इस बैटर को बनाने के बाद इससे केक के गुलाब के शेप का एक बहुत ही अच्छा मोल्ड मिलता है, उसमें इसे डुबाकर हम रोज केक बनाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, और उस पर मैंने अपने ऑयल को डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है।
और जब हमारे ऑयल गर्म हो जाएंगे तब मैं आपको इसके आगे की रेसिपी बतलाती हूँ। यह लोहे का एक मोल्ड होता है जिसे हमें ऑयल में रख के गर्म करना होता है, और जब वो गर्म हो जाए तो फिर हमें इस घोल में डुबा के फिर से ऑयल में डालना पड़ता है। देखिए, मैंने कढ़ाई में अपने उस सांचे को रख के गर्म करने के लिए रख दिया है। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो जो मैंने अपने बाउल में घोल को तैयार किया है उसमें मैं डुबा कर फिर से ऑयल में छोड़ दूंगी, जिससे वो सांचा जो है उसमें मैदा चिपक जाए और वो बहुत अच्छा सा जलेबी का शेप ले लेता है, जिसे हम ऑयल में जाके वापस छोड़ेंगे तो बहुत ही सुंदर जलेबी के शेप का निकल के तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे ऑयल ठीक से गर्म नहीं हुए थे इसलिए पूरी तरह गोल नहीं बन पाया है। बहुत ही सुंदर गुलाब के शक्ल के छोटे करारे और कुरमुरे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये रोज केक कहलाते हैं। साउथ इंडिया में इसे अचपम भी कहते हैं। इस बैटर में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इसमें आप एक अंडे को भी फोड़ कर डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ही ये कुरकुरे और फ्लफी बनते हैं। ये आपको सांचा कहीं भी मिल जाएगा। मैंने अमेजोन से लिया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी जगह ये उपलब्ध है। आप चाहें तो मार्केट में भी इसे रोज केक मेकर के नाम से आप ले सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं बतला रही हूँ, मैंने इस सांचे को इस तरह से तेल में रख के गर्म कर लिया है और अब इस सांचे को मैं उस बैटर में डुबाऊंगी जिसे मैंने बाउल में तैयार किया था, और फिर से उसे ला के ऑयल में छोड़ दूंगी। और इस तरह देखिए, जलेबी के आकार की बहुत ही सुंदर गोल गोल हमारी रोज केक तैयार हो जाएगी, जिसे हमें हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। और उसके बाद इसे निकाल कर हम एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे जिससे इसका अतिरिक्त तेल उसमें आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम अपने सांचे को गर्म करके और बैटर में डुबा के अपने सारे रोज केक को तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको लग रही होगी कि बहुत ही भारी है, लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है। बस हमें सांचे को गर्म करना है और ऑयल में डिप कर देना है। बैटर में डिप करने के बाद ऑयल में डाल देना है और बहुत ही टेस्टी इस तरह से हमारी रोज केक तैयार हो जाएगी। देखिए, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल जलेबी के आकार की हमारी रोज केक तैयार हो गई है। फिर से मैंने गर्म करने के बाद बैटर में डिप किया और फिर से उसे ऑयल में छोड़ दिया। और हमारी रोज केक तैयार हो गई। फिर से हमें इसे उलट पलट के हल्का सुनहरा कर लेना है। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है यह रेसिपी। इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकती हैं चाय के साथ, और बड़ों को भी, या कोई आपके घर में मेहमान आ गए हो तो उन्हें भी झटपट बना के सर्व कर सकते हैं आप। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है, बस मैदा, नमक और चीनी है जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखिए, इस समय हमें अपने फ्लेम को मीडियम पर रखना है। देखिए, बिल्कुल फूल के शक्ल में बनकर ये तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे रोज केक को बना के तैयार कर लेंगे। आपको केवल ये सांचा लाना है और बाकी जितनी भी तैयारी है वो 5 से 6 मिनट में हो जाती है। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी जल्दी
इस रोज केक की रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरी सारी रोज केक बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरे पूरी की छोटी सी यात्रा की क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप भी जरूर दबाइएगा। भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही फ्रेंड्स, अगर आप प्लीज वीडियो को देख रहे हैं तो इसे जरूरी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरी ये यात्रा और रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। देखिए मेरे सारे रोज केक बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने इसे सर्व कर दिया है। बहुत ही करारे और कुरमुरे बने हैं।